जोधपुर से है जहां कोविड-19 टीकाकरण एक्सप्रेस की 30 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ जिलाधिकारी कार्यालय से अपर जिलाधिकारी विनीत कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। टीकाकरण एक्सप्रेस प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को, जो लोग टीकाकरण से वंचित हैं या शारीरिक रूप से किसी अन्य कारण से टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें व उनके परिवारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रत्येक गाड़ी से 300 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जी, मेरा नाम संजय सुमन है और मैं केयर इंडिया में स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, यहाँ पे 30 गाड़ियाँ हैं जिसका नाम टीका एक्सप्रेस दिया गया है। और ये जो गाड़ियाँ हैं, आपको माइक्रो प्लान बना हुआ है हर एक ब्लॉक का और चिन्हित किया हुआ है कि जो जो लोग छूटे हुए हैं, जो जो क्षेत्र या पॉकेट है जहाँ पे लोग छूटे हुए हैं, जैसे उदाहरणतः अगर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, लोग कुछ लोग जो है टीकाकृत नहीं हुए हैं, या फिर कोई ऐसे जगह है जहाँ पे लोगों का रेजिस्टेंस है, लोग टीका लेना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे कई जगह करके साप्ताहिक प्लान बना हुआ है, रोस्टर बना हुआ है और वहाँ जा जा के लोगों को टीका दिया जाएगा। और इसके लिए जो समन्वय है जिला स्वास्थ्य समिति, ब्लॉक लेवल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ MOIC है। ये गोरखपुर जनपद में कुल 30 कोविड टीकाकरण वाहन आज लॉन्च किए गए हैं, जो कि गांवों में जाकर प्रत्येक गांव में इनका शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के अनुसार जाकर जो लोग टीकाकरण से छूटे हुए हैं या जो किसी रूप से शारीरिक रूप से या किसी अन्य कारणों से कोविड टीकाकरण सेंटर तक आने में अक्षम हैं, उनका टीकाकरण करेगी। प्रतिदिन प्रत्येक गाड़ी का 300 टीका लगाने का लक्ष्य है।